नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। बस्तर जिले में 75 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक दशहरा पर्व के बाद दूसरा बड़ा गोंचा पर्व भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। बस्तर में श्री गोंचा पर्व की अलग पहचान है। इस पर्व के दौरान भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र को ग्रामीणों के बनाए हुए विशालकाय रथ में सवार किया जाता है। इसके बाद जनकपुरी सिरहासर भवन तक परिक्रमा करवाई जाती है। इस दौरान श्री गोंचा पर्व मनाने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। 3 विशालकाय रथ परिक्रमा के दौरान स्थानीय ग्रामीण कारीगरों के बनाए हुए बांस की तुपकी से रथों को सलामी दी गई। गोंचा पर्व का इतिहास बस्तर राज परिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव के मुताबिक परंपरा 600 वर्षों से अनवरत चली आ रही है। राजा पुरुषोत्तम देव रियासत काल में जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान उन्हें रथपति की उपाधि मिली। भेंट में उन्हें विशालकाय रथ मिला, जिसे लेकर वह वापस बस्तर पहुंचे, जिसके बाद से बस्तर दशहरा पर्व और गोंचा पर्व में विशालकाय रथ की परिक्रमा करवाई जाती है। इसके साथ ही 360 अरण्यक ब्राह्मण और उत्कल ब्राह्मण को महाराजा पुरुषोत्तम देव लेकर आए, उन्हें यहाँ का निवासी बनाया। बस्तर में निर्मित मंदिरों में सेवा के लिए तैयार किया गया। पुरी की तर्ज पर होती है पूजा। आपको बता दें कि जगन्नाथ पुरी से मूर्ति को लाकर जगदलपुर में विराजित किया गया, इसी कारण इसका महत्व अधिक है। इसके अलावा पुरी में जिस प्रकार से आज छेरा पोरा किया गया, उसी की तर्ज में बस्तर में भी छेरा पोरा किया गया। बस्तर में 3 रथों पर जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र को रथारूढ़ करके चांदी के झाड़ू से पुजारी झाड़ू लगाते हैं, जिसके बाद रथ की परिक्रमा करवाई जाती है। बस्तर में गोंचा पर्व के लिए चंदन यात्रा की निभाई गई रस्म। प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज है बस्तर की तुपकी से सलामी देने की अनोखी परंपरा। भारत देश में यह परंपरा है कि किसी राजा महाराजा या देव का अभिवादन किया जाता है। बस्तर में गोंचा पर्व के दौरान पोंगली में मलकानगिनी नामक बीज डालकर उसे फोड़ा जाता है, जिसमें से एक विशेष ध्वनि निकलकर बाहर आती है, जिसे बस्तर की बोलचाल की भाषा में तुपकी कहा जाता है। यूं तो गोंचा पर्व के दौरान रथ यात्रा पूरे भारत देश में मनाई जाती है, लेकिन रथ परिक्रमा को बांस की तुपकी से सलामी देने की परंपरा केवल बस्तर में ही वर्षों से चली आ रही है। यही कारण है कि इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए भारत देश के अलावा विदेशों से भी पर्यटक बस्तर पहुंचते हैं। गोंचा पर्व जो कि ऐतिहासिक पर्व बनाया जाता है बस्तर में, जिसे कि गोंचा इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ के जो पुराने राजा के द्वारा, जो कि हमारे चौथे राजा थे, राजा पुरुषोत्तम देव दंड आचरण करके पूरी गए थे, उनको रथपति की उपाधि मिली। जो रथ आप दशहरा में देखते हैं वो माँ सुभद्रा का रथ है, जिसको राजा को रथपति के रूप में भेंट दिया गया था और बोला गया था आज से तू रथपति है, तू माँ सुभद्रा के रथ में बैठेगा। आज भी वो परंपरा दशहरा में निरंतर चले आ रही है 600 सालों से ऊपर। उसी तरीके से जब वो लेकर के आए तो भगवान जगन्नाथ के भक्त थे राजा पुरुषोत्तम, उन्होंने भगवान की मंदिर की स्थापना की। जो आप मंदिर आज देखें जिसमें की 3 मूर्तियां निकली, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, और महालक्ष्मी घर में ही है। मतलब अभी महालक्ष्मी जी का जो स्थान है घर में ही, जगन्नाथ प्रभु के घर पे ही रह रही है वो। अभी जब वो बाहर निकले तो वो तीनों रथ में विराजमान हुए। जिस तरीके से पुरी में जगन्नाथ प्रभु का छेरा पोरा कार्यक्रम होता है, जिसका अर्थ होता है झाड़ू मारना, जो वहाँ के गजपति वो झाड़ू मारते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बस्तर राजा चांदी के झाड़ू से ग्रूमिंग करते हैं, पूरे के पूरे रथ की परिक्रमा करके झाड़ू करके साफ करते हैं, क्योंकि प्रभु से बड़ा कोई नहीं। वो रथारूढ़ होते हैं और राजा नीचे से एक पुजारी के रूप में, एक राजा के रूप में जो सम्मान हमें जगन्नाथ प्रभु के द्वारा रथपति का मिला, उस सम्मान को बनाने के लिए कि आपसे बड़ा कोई नहीं प्रभु, आपके ही आशीर्वाद से हम हैं, उसको ग्रूम करने के लिए झाड़ू से वो झाड़ू मारा जाता है, परिक्रमा की जाती है रथ की, परिक्रमा पूर्व आरती की जाती है। आरती करने के बाद राजा स्वयं रथ को थोड़ा खींचते हैं, फिर पूरे श्रद्धालु उसको खींच करके लेके जाते हैं। ये 600 सालों से ऊपर चली आ रही परंपरा है, जिसमें कि 360 आरण्यक ब्राह्मण और 60 घर उत्कल ब्राह्मण, इन लोगों को राजाओं ने 1423 के आसपास इनको यहाँ लेकर के आया था, और आज से 600 सालों से ये परिवार के साथ मिल करके जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा चली आ रही है। और ये रथ यात्रा वैसे ही चलती जैसे पुरी में जगन्नाथ अलग रथ में बैठते हैं, सुभद्रा अलग रथ में बैठते हैं और साथ साथ बलभद्र अलग रथ में बैठते हैं। और ये परंपरा अनोखी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपको और कहीं नहीं मिलेगी, बस्तर में ही है कि राजा को रथपति की उपाधि मिली और जगन्नाथ प्रभु का मंदिर भी बनाएगा, और जो प्रतिमाएं हैं वो जगन्नाथ प्रभु की पूरी मंदिर से लाई गई, जो बड़ी प्रतिमा है उसको भी भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है रथ में, और वही परिक्रमा से पूजा पाठ की जाती है। तो ये परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण ये भी है बस्तर दशहरा
कि हमारे यहाँ तुक्की खेली जाती है, जो कि एक पेंग होता है, एक सीड होता है, पेंग के साथ बांस की तुक्की बनाई जाती है, उसमें आवाज आती है और एक दूसरे को मारते हैं। ऐसा कहा गया कि साइंटिफिक रीजन है, उसका जो ऑयल होता है वो आपको सर्दी खांसी से बचाता है और इन्फेक्शन से बचाता है, तो उसी तेल का खेला जाता था और आज भी इसको तुक्की के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे गोंचा पर्व के नाम से जाना, जिसमें कि आदिवासी समाज के लोग, 360 आरण्यक ब्राह्मण समाज के, उत्कल ब्राह्मण के समाज के लोग और साथ साथ अखंड बस्तर के जितने हमारे माझी, चालकी, मेमरीन, माझी, जितने बस्तर दशहरा से जुड़े हुए लोग हैं वो सब सम्मिलित होते हैं, प्रशासन सम्मिलित होता है और साथ साथ हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद से लेकर के सातों के सातों विधायक और जितने भी जनप्रतिनिधि और दर्शनार्थी हैं जो बाहर से भी यहाँ टूरिस्ट के रूप में, आज मेरे हिसाब से तेलंगाना से बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे, उड़ीसा से बहुत लोग आए हुए हैं, आंध्रा से बहुत लोग आए हुए हैं, ये सब आकर के गोंचा का महापर्व चलेगा जो कि आने वाले 17-18 तारीख को इसका समापन होगा, धीरे धीरे करके भगवान का समापन होगा, राजभोग लगेगा, ऐसी बहुत सारी परंपराएं करेंगे, तो यही गोंचा पर्व का महत्व है कि राजा खुद जाकर के छेरा पूरा करते हैं और रथ की परिक्रमा। देख रहे हैं कि कितना जैन सैलाब वो उमड़ पड़ा है। मैं समझता हूँ पूरी के बाद बस्तर का गोंचा जो है इतना भीड़ और इतना शान, इतना लोगों को उत्साह दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर खास यह है कि आपको तुक्की की गुंज सुनाई देती होगी जो छत्तीसगढ़ से लेके पूरे देश में कहीं पर भी इसका प्रचलन नहीं है। दूसरा चीज, एक जगन्नाथ जी की कृपा ऐसी बनी हुई है, जो पेंग है वो बस्तर में ही पाया जाता है, और जो तुक्की का निर्माण है बस्तर के हमारे आदिवासी भाई लोगों के द्वारा निर्माण किया गया पर्व, जो कि बस्तर में मुख्य रूप से मनाया जाता है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जैसे कि बस्तर दशहरा है, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन अलग अलग तरीके से लगाया है, कुल 3 लेयर पे सिक्योरिटी किया गया है, आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडिल लेयर पे। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ रूट को डाइवर्ट भी किए गए हैं और कुछ रूट को वन वे भी किया गया है। इस प्रकार से कुल लगभग 400 के आसपास जवान गोंचा पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए तैनात है और ये व्यवस्था हमारी 7 से लेकर 14 तारीख तक लगी रहेगी। बारिश का मौसम देखते हुए कुछ जवानों के लिए कुछ व्यवस्थाएँ की गई? बारिश को देखते हुए जवान छाता भी रखे हुए हैं और क्योंकि छाता लेकर के ड्यूटी करते नहीं बन सकता है, इसलिए कुछ रेनकोट पहने और कुछ नेचुरली जैसे यूनिफॉर्म हमारा रहता है, जैसे कि मैं पहना हूँ वैसे पहन के ड्यूटी कर रहा हूँ। वी टाइम न्यूज़ के लिए जगदलपुर से पास की ठाकुर की रिपोर्ट।